सभी छात्र छात्राओं को आज की शुभ संध्या। सभी छात्र छात्राओं, देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से इस स्टोरी की एक श्रृंखला देख रहे हैं, जिसमें से ये 34वीं नंबर की स्टोरी है। इसके पहले 33 स्टोरी हम आपको बता चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरियां हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ये भी कई बार पूछी गई है, जिसमें से 2015 मेंशन है हमारे पास, इसमें तो आई है, आगे भी आपकी आने की उम्मीद है। तो जिन बच्चों से स्टोरी बनती है तो वो बनाकर दिखाएं और कमेंट बॉक्स में यस जरूर बोलें, और जिनसे नहीं बनती वो पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो खत्म होने के पहले आपको पूरी स्टोरी बनने लगेगी। देखिए कैसे बनेगी। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रेलगाड़ी छूटने वाली थी। कौन छूटने वाली थी? रेलगाड़ी छूटने वाली थी। आपने जो वाक्य पहले होता है उसको हम पहले बनाते हैं। तो रेलगाड़ी छूटने वाली थी, द ट्रेन वाज, द ट्रेन, ट्रेन वाज अबाउट माने लगभग, टू डिपार्ट, ये छूटने के लिए डिपार्चर का प्रयोग करते हैं, उसी से बना है डिपार्ट। एज सून एज माने जैसे ही, आई रीच्ड द स्टेशन, जैसे मैं स्टेशन पहुंचा, एज सून एज माने होता है जैसे ही, आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन वाज अबाउट टू डिपार्ट, तो ट्रेन कैसी थी? छूटने वाली थी। मैंने दौड़कर प्लेटफॉर्म पर गया, दौड़कर प्लेटफॉर्म पर गया। कौन गया? मैं, आई माने मैं, दौड़कर प्लेटफॉर्म पर जाता हूं, तो आई रन माने मैं दौड़ा, एंड वेंट माने पहुंच गया। कहां पहुंच गया? एट द प्लेटफॉर्म। आई माने मैं, रन माने दौड़ा, और कहां पहुंच गया? आई रन एंड वेंट एट द प्लेटफॉर्म। स्पेलिंग एरर हो रहा है, क्या दिक्कत है आज? आई रन मैं दौड़ा, एंड वेंट एट द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया, फुल स्टॉप। वहां पहुंचा ही था कि रेलगाड़ी निकल गई। वहां पहुंचा ही था का मतलब नो सूनर लगेगा, नो सूनर से बनेगा, नो सूनर, SWNER, सूनर, डिड आई रीच्ड, देयर, जैसे मैं वहां पहुंचा, द ट्रेन स्टार्टेड। देखिए नो सुनर से भी बना सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं व्हेन आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म, मैं वहां पहुंचा ही था इसलिए ये बना दिया। अब मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, व्हेन आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म, द ट्रेन स्टार्टेड, तो ट्रेन क्या थी? चल दी। वहां पहुंचा ही था कि ट्रेन चल दी, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। वैसे इस वाक्य को उपयुक्त तो यही रहेगा कि आप नो सुनर से ही बनाए, नो सुनर डिड रीच्ड, जैसे मैं वहां पहुंचा, देर माने वहां, द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन क्या हुई? चल दी। गाड़ी ने शीघ्र ही गति पकड़ ली। किसने गति पकड़ी? गाड़ी ने। तो द ट्रेन टुक माने होता है पकड़ना, स्पीड, गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली। एंड लाइक ए फूल, और क्या हुआ? और मैं मूर्ख की तरह, लाइक ए फूल माने मूर्ख की तरह, आई माने मैं, रिमाइंड लुकिंग दैट गोइंग आउट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म,
द ट्रेन माने ट्रेन ने ट्रुक स्पीड गति पकड़ ली एंड लाइक ए फूल और मूर्ख की तरह आई माने मैं रिमेंड लुकिंग का मतलब मूर्ख की तरह उससे क्या करता रहा। रिमेंड माने याद करने से होता है। रिमेंड लुकिंग माने देखता रहा। दैट गोइंग माने जाते हुए। आउट माने बाहर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म और मैं मूर्ख की तरह खड़े होकर उसे प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए देखता रहा। फिर से शुरुआत सुनिएगा। द ट्रेन माने ट्रेन वाज अबाउट माने लगभग टू डिपार्च छूटने वाली थी एज सून एज आई रीच द स्टेशन जब मैं स्टेशन पहुंचा। तो सही वाक्य क्या बनेगा कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन छूटने वाली थी। मैं दौड़कर प्लेटफॉर्म पर गया। आई रन माने मैं दौड़ा एंड वेंट एट द प्लेटफॉर्म और मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। एट क्यों लगाया क्योंकि फिक्स लोकेशन किसी पॉइंट को दिखाता है तो यहां पर एट का प्रयोग होगा। नो सूनर डिड रीच्ड देयर द ट्रेन स्टार्टेड जैसे मैं वहां पहुंचा तो क्या हुआ ट्रेन स्टार्ट हो गए। द ट्रेन टुक स्पीड ट्रेन ने टुक स्पीड माने टुक माने पकड़ी स्पीड माने गति एंड लाइक ए फूल और मूर्ख की तरह आई रिमेंड लुकिंग याद करता रहा। लुकिंग माने देखता रहा। दैट गोइंग माने जाते हुए आउट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म और उसको प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए देखता रहा। उम्मीद करते हैं स्टोरी थोड़ा सा कठिन थी लेकिन समझ में जरूर आई होगी। हो सकता है स्टोरी आपकी परीक्षाओं में पूछी जाए तो आप इस स्टोरी को एक से दो बार बनाएंगे तो आपको जरूर समझ में आएगी। और जिस बच्चों ने ध्यान से देखी होगी पूरी वीडियो उससे स्टोरी तुरंत भी बन सकती है। मीनिंग की दिक्कत होगी तो आप मीनिंग को याद कर लीजिएगा जितनी मैंने आपको बताई है। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो नीचे नंबर दिया गया है इस नंबर में आप व्हाट्सएप करके आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो सभी बच्चे एक बार लाइक करते हुए एक कमेंट छोड़ दें और सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।